मेरी सीट पे जो पीएस 129 है उस पे मेरे वोट शो किए गए, फॉर्म 47 जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो शो किए गए हैं 26,000, जबकि एक्चुअली मुझे 30,464 वोट मिले हैं, लेकिन मुझसे ज्यादा वोट आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई के उनको मिले हैं। और मैं इतना जर्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा, मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैंने कौम से वादा किया था, मेरी जमात ने वादा किया था कि हम एक वोट भी इजाफी नहीं चाहते, हमें किसी लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। मेरी ये सीट ये इलेक्शन कमीशन के मुंह पर एक तमाचा भी है, हमें नहीं चाहिए खैरात की ये सीट, हमें हमारा हक दो, जो जीते हैं उनको जिताओ, जो हारे हैं उनको हराओ। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी टीम का कि जब मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ 19-20 है तो मैंने अपनी टीम से कहा कि मुझे एक एक फॉर्म चाहिए। रात 3 बजे तक लोगों ने डिटेल एक दफा, दो दफा, तीन दफा जब चेक किया तो पता चला कि वोट तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे कम शो किए, लेकिन मैं कामयाब चूंकि नहीं हुआ तो मैं ये सीट वापस करता हूं और आजाद उम्मीदवार जो भी माज नाम है उनका, क्या नाम है, सैफ बारी, वो जीता है जेन्युइन तरीके से, जिसके वोट बेचारे के 31,000 से कम करके पत्नी 11,000 कर दिए गए, 6,010 वोट लिए हैं मेरी सीट पर एमक्यूएम ने, जिसको 20,000 शो किया। इस पूरे निजाम के ऊपर कॉल पलट देता हूं मैं अपनी सीट को, और पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाल है ये।